बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल की मेहनत थी जो आज पूरी हो गई। बहुत खुश हैं स्पेशली मेरे हस्बैंड सुमित चावला। हर स्टेप पे इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जनरली बहुत मुश्किल था बच्चे को छोड़ना, गिल्ट भी आता है अभी बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, ऑफिस भी था, घर की जिम्मेवारियां। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ईपीएफओ में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 159 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वो अपना रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी upsc.gov.in पर जा सकते हैं। यूपीएससी ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। आधिकारिक नोटिस में लिखा है, आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयोग के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर 159 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इसके लिए टेस्ट 2 जुलाई 2023 और इंटरव्यू 3 से 14 जून 2024 तक आयोजित किया गया। AIR 34 प्राप्त करने वाली पूनम नांदाल ने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे परिवार में सभी खुश हैं, खासकर मेरे पति जिन्होंने हर कदम पर मेरी मदद की। मेरे माता पिता ने शुरुआत से ही पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। मुझे बीच में बहुत असफलताएं मिली लेकिन मैं मेहनत करती रही और अंत में सफलता मिल गई। पूनम नांदल की ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। पूनम नांदल की ये कहानी दिल को छू जाने वाली है। यूपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर का परिणाम आया है, आपने 34वां रैंक हासिल किया, क्या कहेंगे सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल की मेहनत थी जो आज पूरी हो गई, तो अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिवार में किस तरह की खुशी है और क्या? बहुत खुश हैं स्पेशली मेरे हस्बैंड सुमित चावला। हर स्टेप पे इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरा 5 साल का बच्चा, उसके साथ तैयारी करना, ऑलरेडी जॉब पे हूँ, वो तैयारी करना बहुत मुश्किल था, बट सुमित ने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। सचिव नेहरा जिनकी रैंक 1 है, उन्होंने मुझे पढ़ाया अपनी पढ़ाई के साथ साथ, इसी वजह से आज मेरा हो पाया। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी और भी है, आप महिला भी है तो जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, तैयारी बिल्कुल। भी नहीं हो पाती, फिर भी आपने ये चीज हासिल की है, हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस को। मुश्किल होता है, जनरली बहुत मुश्किल था बच्चे को छोड़ना, गिल्ट भी आता है अभी बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, ऑफिस भी था, घर की जिम्मेवारियां, ससुराल की भी जिम्मेवारियां, लेकिन फिर भी सुमित मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया हर चीज में, उन्होंने कोई प्रेशर ही नहीं आने दिया, तो सब इजी बनाया उन्होंने। और मेरे बच्चे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो इतना समझदार है कि उसने कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं दी मुझे। और मेरे मम्मी पापा, उन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई को वैल्यू दी थी, तो उन्होंने उस लाइन पे चला दिया था कि शुरू से ही बस पढ़ाई ही था। तो कुछ साल बीच में कुछ नहीं करा था, बस जॉब कर रही थी, दोबारा तैयारी शुरू करी, HCS का ही मेंस किया था और अब इसमें हो गया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बढ़ जाएंगी, हाँ जी परिवार से बिल्कुल भी थोड़ा सा और अभी स्पोर्ट चाहिएगा। बिल्कुल चाहिएगा। एंड इसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। आज मेरे से ज़्यादा खुश मेरे हस्बैंड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे नहीं लगता है। दूध के लिए तुम्हें बस यही कि हार्डवर्क इज द की, आप लगे रहो, जितनी मेहनत करोगे कभी ना कभी रिजल्ट मिलता है। मुझे भी बीच में बहुत फेलियर मिले, कभी किसी स्टेज पे, कभी किसी स्टेज पे, बट इवेंचुअली सब अच्छे से हो गया और आज हो गया सिलेक्शन।